सब गाइस वेलकम टू माय चैनल रॉबी टीवी। और यार आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्सेज के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में, जो कि ऑलमोस्ट सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में होते ही होते हैं। तो आज मैं बेसिकली चितकारा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे हम इंटरनेशनल प्रोग्राम्स के बारे में। और यार सारी ही यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट सेम रहेगा, वैसे ही पैटर्न वगैरह, कॉलेजेस, टाइप वगैरह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या आपको चाहिए, कौन से सेमेस्टर में आप लोग फॉरेन जा सकते हैं स्टडी के लिए, डिग्री आपको उसी यूनिवर्सिटी से मिलेगी या इसी यूनिवर्सिटी से। तो यार सब कुछ पता लगेगा, लास्ट तक जरूर देखना। और यार चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जित यूनिवर्सिटी से पहले एक बात करेंगे। मेरे भाई ने यार नया चैनल स्टार्ट किया है रॉयल साइबर टेक, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये टैकी वीडियोस आप लोग यहाँ पे आसानी से जाके देख सकते हैं, भाई ने मेरी वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो यार चलिए अब हम बात करते हैं चितकारा यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर प्रोग्राम के बारे में। तो यार सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, दो पार्ट्स ये है। एक तो इंटरनेशनल क्वालिटी एजुकेशन वाला, मतलब इसमें आपको डिग्री भी बाहर वाली यूनिवर्सिटी से ही मिलेगी, और एक होता है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। पहले हम इस प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं यार, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में। तो यार इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जो कि चीज़ें मैंडेटरी रहेंगी वो होंगी, यहाँ पे एक मिनट, ये आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। अगर पासपोर्ट वगैरह नहीं है, आईलेट्स का भी आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। तो अगर आप ये सब वैलिडिटी आपकी पूरी है तो आप लोग स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जैसे कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में हैं तो फर्स्ट सेम वाले यार ऐसे कोई प्रोग्राम में कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ सेकंड या थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर वाले ही कर सकते हैं। तो यार सेकंड सेमेस्टर वाले जैसे कि कई बच्चे आए हैं तो उन्हें एग्जाम पे जाना है तो वो पहले जाके गो ग्लोबल ऑफिस में बात कर सकते हैं। उसके बाद इसका मैं एलिजिबिलिटी, ये एलिजिबिलिटी इसमें कुछ नहीं है, ये सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह आपको पास होने चाहिए, कोई सप्ली नहीं होनी चाहिए। और यार इसमें बाहर जाने का ये फ़ायदा है कि आप एक्सचेंज प्रोग्राम में जा रहे हो, एक्सचेंज मतलब जौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया की हम ले लेते हैं डेक्कन यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे आप जा रहे हो तो आप पांच बच्चे यहाँ से जा रहे हो सीएससी के, तो वहाँ से भी सीएससी के पांच बच्चे यहाँ पे आएंगे, इसे बोलते हैं एक्सचेंज प्रोग्राम। तो यार जैसे कि वहाँ के भी पाँच बच्चे हमारी यूनिवर्सिटी में आएंगे और आप उनकी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तो ऐसे यार आपको उनके कल्चर वगैरह सीखने का मौका मिलता है, ग्लोबल अवेयरनेस, पर्सनल डेवलपमेंट्स, अलग अलग चीज़ें आप लोग सीख सकते हैं। तो इसमें यार सिर्फ आपके टिकट फ़ी और अपना वीज़ा चार्जेस, इंश्योरेंस वगैरह ही लगेगी, और वहाँ वहाँ की यूनिवर्सिटी का कोई खर्चा नहीं लगेगा। जी हाँ, वहाँ की यूनिवर्सिटी का कोई खर्चा नहीं लगेगा आपको यहाँ पे। तो जो भी आपको पैसे अपने ट्यूशन फीस पर सेमेस्टर भरनी है वो चितकारी यूनिवर्सिटी में ही भरनी है, और आपको बाहर जाके वहाँ के कोई पैसा नहीं देना, सिर्फ रहने का, हॉस्टल हॉस्टल का थोड़ा सा खर्चा देना पड़ेगा। बाकी अगर आप यहाँ पे भी हॉस्टलर हो तो यार वहाँ पे कोई आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो यार अब हम बात करते हैं थोड़े दूसरे प्रोग्राम्स की, जैसे 15 दिन का टूर आ गया कि जर्मनी जाना है ये वो, तो यार वो टूर्स भी आते रहते हैं, उसके लिए भी पासपोर्ट्स वगैरह सब कुछ ज़रूरी रहेगा। तो कॉलेज में एंटर होने से पहले ही आपको पासपोर्ट्स यार बनवा लेने चाहिए। तो एक आता है कि जैसे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स होते हैं बाहर जाने के, जर्मनी वगैरह, और एक दिन इटली में, तो ऐसे यार प्रोग्राम्स 15-15 दिन के होते हैं, वहाँ पे आपको कंपनीज में ले जाके सिखाया जाता है और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कि आपने जर्मनी में जाके इस शोरूम में, जैसे मर्सिडीज़ वगैरह के शोरूम में मुझे आई थी इंटर्नशिप यहाँ पे। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको मेल भी खोल के दिखा दूँगा कि आपको भी ऐसे ही मेल आएगी अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, अगर आपने जाना हो तो इंटरेस्टेड वन वहाँ पे मैम को कॉल कर सकते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यार अब दूसरा वाला ये आता है, ये है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ अगर आपने एक्सचेंज प्रोग्राम में नहीं जाना, तो इसमें यार 2v2 प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि आपने 2 साल अपनी चितकारा यूनिवर्सिटी में
2 साल लगा लिए, और 2 साल आपको जैसे डिकन यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स या यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस फ्रांस वगैरह में लगाने हैं तो आप लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। 2 साल के पैसे आपको यहाँ पे चित्रकला यूनिवर्सिटी के साथ ही भरने पड़ेंगे, सेम फीस वगैरह सब, और जो से 2 ईयर्स आपके रह जाएंगे उनकी फ़ीस वगैरह आपको उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से भरनी पड़ेगी, जो कि अप्रॉक्स 10 लैक्स पर ईयर चल जाएगा। तो 10 लैक्स पर एयर और रहने रहने वगैरह, शेल्टर, खाने खुने का सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा, पासपोर्ट्स, इंश्योरेंस, वीज़ा फीस सब कुछ आपको खुद करना पड़ेगा। और यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी से ही आप लोग जाओगे, और आपको जो डिग्री मिलेगी, जी हाँ, स्टूडेंट एक्सचेंज में डिग्री आपको चितकारा की ही मिलेगी। लेकिन अगर आप इस वाले प्रोग्राम के लिए, 2v2 प्रोग्राम के लिए फ़ॉरन जा रहे हो, तो यार जैसे फ़ॉरन की यूनिवर्सिटी से ही आपको फाइनल ईयर में ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, और 3 साल का वर्क परमिट भी मिलेगा अगर आप 2 साल के लिए 2v2 के लिए जा रहे हो, और 3 साल का प्लस वर्क परमिट, और डिग्री भी आपको बाहर की यूनिवर्सिटी से मिलेगी। और यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। मेनली ये इतनी यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन हुई है, लेकिन मेनली बच्चे USA, कनाडा, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, सेंट्रल मिचिगन, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा वगैरह, और ऑस्ट्रेलिया या UK भी कई बच्चे प्रेफर करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में आप लोग ये यूनिवर्सिटीज़ देख सकते हैं, डेकिन यूनिवर्सिटी जिसका काफ़ी नाम है वो भी इसमें शामिल है। आप लोग यहाँ पे भी जा के पढ़ाई वगैरह कर सकते हैं, और स्टूडेंट एक्सचेंज के लिए अगर आपको वहाँ पे आया है, तो जैसे मैं आपको एक अभी अपनी मेल खोल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग मेरी स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि ये मेरे आई थी चित्रकारी यूनिवर्सिटी से ही मेल। तो ये देखिए, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आगे पैसे भी लिखे होंगे, ये 2400 यूरोस, ये 2200 यूरोस, फीस इंक्लूड्स लिविंग एक्सपेंसेस। यार ये होते हैं थोड़े बहुत इंटरनेशनल शॉर्ट मोबिलिटी प्रोग्राम्स, जहाँ पे आप लोग कनाडा, USA, जर्मनी वगैरह जा सकते हैं 15-20 दिनों के लिए। ये समर प्रोग्राम्स होते हैं, ये 205 वीक्स इन पेरिस, 3 डेज इन डॉलोस। तो यहाँ पे आप लोग इजीली जा सकते हैं, ये खर्चा आपको करना पड़ेगा। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको वो सब तो पासपोर्ट वगैरह बनवा ही लेना है। एक और मैं मेल आपको, जो मैंने जर्मनी वाली बोली थी, ये विंटर स्कूल आया था, ये जर्मन रिसर्च सेंटर एंड कंपनीज, यूनिवर्सिटीज, विजिट, कल्चर टूर, ये सारा यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये देखिए, ट्रैवल टू जर्मनी, विजिट मर्सिडीज पोर्श प्लांट, टेक्निकल म्यूजियम में, और ट्रेनिंग एट यूरोपियन सेंटर, ये सब कुछ होना था। ट्रैवल पैक ये भी 15 दिन का ही था पूरा टूर, तो इसका खर्चा कुछ 1.25 लैक्स का था। लेकिन इसमें आपको फूड, एयर फेयर, वीज़ा फीस और इंश्योरेंस का ये डजेंट इंक्लूड, तो ये सब आपको डाल के ये 1.5 लाख तक पड़ जाना था, या 2 लाख तक। तो यार ये सब प्रोग्राम्स हमारी यूनिवर्सिटी यहाँ पे, या कोई भी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होते हैं, तो आप लोग इनकी साइट पे या कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद यहाँ पे पता कर सकते हो कि जहाँ पे आपने जाना है आप लोग आसानी से जा सकते हो। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, और जो जो नए हैं यार, सब्सक्राइब वाला बटन आपने नहीं दबाया होगा, दबा देना। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता ही रहूँगा। कोई भी डाउट वगैरह हो तो यार कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। तो यार थैंक यू।